गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का पाठ संख्या एक कबीर, जो आपका पाठ चल रहा है कबीर का पार्ट तीन पढ़ेंगे आप विद्यार्थियों। इससे पूर्व आपने कबीर का परिचय पढ़ा, कबीर के और दोहे पढ़े। आप गृह कार्य कर रहे हैं कि या नहीं कर रहे हैं? आपको मैंने जो अब तक के दोहे पढ़ाए हैं उनका गृह कार्य करना है, दोहे को लिखना है, सह प्रसंग व्याख्या करनी है और फिर उसका होमवर्क है वो आपको एक तारीख दे दी जाएगी, उसके अनुसार जांच भी करवाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, अब आज पढ़ेंगे अपन कबीर का दोहा संख्या छः। तो वो मैं लिख रहा हूँ, आप अपनी पुस्तक निकाल करके पेज नंबर दो पर है ना छठवां दोहा देखेंगे। पार ब्रह्मा के तेज का, पार ब्रह्मा पार ब्रह्मा के तेज का कैसा, के तेज का कैसा, पार ब्रह्मा के तेज का कैसा है अनुमान, कैसा है अनुमान। ठीक है, दूसरी लाइन कहीं बे को शोभा नहीं देख्या ही प्रमाण। ठीक है, एक बार दोहे को अपन पुनः पढ़ेंगे। पार ब्रह्मा के तेज का कैसा है अनुमान कहिबे को शोभा नहीं देख्या ही प्रमाण। देखो कबीर क्या कह रहे हैं, पार ब्रह्मा परमात्मा के तेज का अर्थ है तेजस्वी, तेज का अर्थ क्या है तेजस्वी, कैसा है अनुमान का अर्थ क्या है अनुमान, यानी इसका अर्थ क्या है अनुमान। कहिबे का अर्थ है कहना, शोभा का ये तत्सम तद्व शब्दावली में शोभा, देखे यानी देखना, परमान का क्या अर्थ होता है परमान। ठीक है, अब अपन इसका अर्थ करेंगे, क्या करेंगे अर्थ करेंगे। तो देखो कबीरदास कहते हैं कि परमात्मा का तेज कैसा है ना, इसका अनुमान कैसे लगाया जा सकता है। अरे तेज का मतलब है प्रकाश, तेज स्वरूप। कबीरदास कहते हैं, विद्यार्थी समझेंगे, कबीरदास कहते हैं कि परमात्मा का कैसा तेज है उसका अनुमान कैसे लगाया जा सकता है। कहबे को शोभा नहीं है ना, कहना शोभा नहीं देता, देख्या ही प्रमाण, उसका तो
प्रमाण देखने पर ही पता चलता है। एक बार अर्थ कबीर दास कहते हैं कि परमात्मा का तेज स्वरूप कैसा है, उसका अनुमान कैसे लगाया जा सकता है, कहने से यह शोभा देने वाला नहीं है, वह तो प्रत्यक्ष देखने से ही प्रमाणित हो सकता है। यह तो देखा ही प्रमाण कि प्रत्यक्ष देखने पर ही इसका पता चल सकता है, प्रमाणित हो सकता है। अर्थात साधनों से केवल अनुमान लगाया जा सकता है, परंतु परमात्मा का परिचय तो अप्रोक्ष अनुभूति एवं आत्म साक्षात्कार से ही मिलता है। तो इसमें वर्णन किसका किया गया था? परमात्मा का आत्म साक्षात के बारे में बताया गया है। बात समझ में आ रही है क्या? वे अपना एक तो क्या होगा, प्रसंग, हाँ मैं बात कर रहा था प्रसंग। यह दोहा कबीर द्वारा रचित दोहा है। इसमें परमात्मा का आत्म साक्षात्कार के बारे में, बताया गया है। ठीक है, परमात्मा के आत्म साक्षात्कार के बारे में बताया गया है, कबीर द्वारा रचित है। फिर व्याख्या में क्या, कबीर दास कहते हैं कि परमात्मा के का तेज स्वरूप कैसा है, उसका अनुमान कैसे लगाया जा सकता है, अनुमान लगाना शोभा देने वाला कार्य नहीं है। परमात्मा का जो तेज स्वरूप है वो तो देखने पर ही उसका तो प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो हम परमात्मा के बारे में अनुमान से कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि परमात्मा है वो तो व्यापक सर्वव्यापी है। और विशेष में आपको बता रखा है कि भाई इसमें परमात्मा के साक्षात्कार के बारे में वर्णन किया गया है, और इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास और विशेष्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। चलो नंबर दो, चिंता तो हरि नाम की, चिंता तो हरि नाम की, और न चितवे दास, जो कछु चितवे राम बिन सोई काल की पास। एक बार, चिते तो हरि नाव की और न चितावे दास, जो कछु चितवे राम बिन सोई काल की पास। चिंता यानी होता है चिंतन,
चिंतन। हरि का अर्थ होता है भगवान, भगवान। नाव यानी नौका, चित्वे यानी चित्त मन, चित्वे यानी चिंतन, चिंतन। राम बिन राम के बिना सोही काल, काल का अर्थ है मृत्यु, पास का अर्थ है नजदीक, नजदीक। ठीक है, अब प्रसंग है। यह दोहा कबीर द्वारा रचित दोहा है, इसमें परमात्मा का नाम स्मरण करने को ही मुक्ति का साधन बताया गया है। अरे कबीर, नाम स्मरण करने का ही, परमात्मा का नाम स्मरण करना ही मुक्ति का साधन बताया गया है। अब व्याख्या सुनो, व्याख्या। कबीरदास कहते हैं कि, कबीरदास कहते हैं, एक बार समझा दूं, चिंता तो हरि नाव की, चिंतन भगवान की नाव की, और न चितवे दास, और किसी का चिंतन नहीं करना। जो कछु चितवे राम बिन, अगर कोई राम का चिंतन नहीं करता है, सोई काल की पास, तो वह मृत्यु, मृत्यु में, मृत्युकाल यमराज के पास जाएगा या मृत्यु के निकट जाएगा। कबीर दास कहते हैं, कबीर दास कहते हैं कि भगवान का नाम स्मरण करना और भगवान का नाम स्मरण करने पर ही इस संसार सागर से पार उतरा जा सकता है। आ रही बात समझ में? कबीर कहते हैं कि भगवान के नाम स्मरण चिंतन करना चाहिए और उस हरि नाम से, उस भगवान के नाम स्मरण से ही इस संसार सागर से पार उतरा जा सकता है। जो व्यक्ति ईश्वर का चिंतन स्मरण किए बिना इस संसार सागर में विषय वासनाओं का चिंतन करता है, वह काल अर्थात मृत्यु के नजदीक जाता है। अरे जो कछु चितवे राम बिन सोई काल की पास, अर्थ समझ में आया क्या? कबीर दास कहते हैं कि जो ईश्वर का चिंतन करता है और ईश्वर रूपी नौका से इस संसार सागर से पार उतरना चाहता है, वो उतर जाता है, और जो भगवान का नाम स्मरण नहीं करता है, वह काल मृत्यु के नजदीक जाता है। ठीक है, चलो। और परमात्मा का नाम स्मरण करना ही मुक्ति का साधन बताया गया है, और इसमें अनुप्रास और यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। वह चित कहरी नाव की, और न चितवे दास कछु चितवे राम। ठीक है, 6-7 नंबर 8। नंबर 8, हाँ, नंबर 8 में लिखो, दोहा है नैना अंतरी, नैना अंतरी, नैना अंतरी। आव तू नैनन, आव तू नैनन, नैनन जापी तो ही, जापी तो ही लेऊं,
ले हूँ। सेकंड लाइन, ना हो देखो, ना हो देखो, ना हो देखो और कु, और कु, ना तुझे देखन देऊं, ना तुझे देखन देऊं, ठीक है। नैना आतरी आव तू, नैनन जापी तो ही लेऊं, ना हो देखूं और को, ना तुझे देखन देऊं। ये कबीर का आठवें नंबर का दोहा साकी है। हम देखो इसके शब्दार्थ, नैना या नैना नेत्र, अंतरी अंदर, आव यानी आना, नैनन यानी नेत्र, तू यानी तुमको, नैनन नेत्र आंखें रे, जापी बंद करना जपकना, तो ही तुझे लेऊं लेना, ना हो देखो, देखो यानी देखना, और दूसरा दूसरा कु यानी को, ना यानी नहीं, तुझे देखन, तुझे यानी तुझे, तुझे यानी तुझे, देखन यानी देखना, देऊं यानी देना, ठीक है। वही प्रसंग में क्या लिखेंगे, यह दोहा कबीर द्वारा रचित दोहा है। इसमें जीव का परमात्मा से अनन्य प्रेम बताया गया है। यह दोहा कबीर द्वारा रचित दोहा है। इस दोहे में जीव का, इस दोहे में जीव का परमात्मा से अनन्य प्रेम बताया गया है। अब देखो शब्दार्थों को हटा दूं, मैं आपको हटा देता हूं शब्दार्थ अब, ताकि अर्थ समझ में ठीक आ जाएगा अब। हाँ, अब आप ठीक कर देता हूं। कबीरदास कहते हैं, कबीरदास कहते हैं, नैना अतर है ना, अतरी आव तू। कबीरदास कहते हैं कि जीवात्मा कहती है कि तू, तुम पर है ना, जीवात्मा, कबीर कहते हैं कि जीवात्मा परमात्मा से कहती है कि तुम मेरे नेत्रों में आकर के बस जाऊं, बस जाओ और मैं नेत्रों को बंद कर लेना चाहती हूँ। कबीरदास कहते हैं कि जीवात्मा परमात्मा से कहते हैं, जीवात्मा परमात्मा से कहती है कि परमात्मा तुम मेरे नेत्रों में आकर के समा जाओ और मैं नेत्रों को बंद कर लूं, ना हो देखूं और को, और मैं मेरी आंखों को बंद कर लूं, मैं न तो और किसी को देखना चाहती हूं। जीवात्मा क्या कहती है, मैं न और किसी को देखना चाहती हूं और न आपको और किसी को देखने में देना चाहती हूं, ना तुझे देखन देऊं और नहीं मैं आपको किसी दूसरे को देखना देना चाहती हूं। अर्थात जीवात्मा का परमात्मा से अनन्य प्रेम व्यक्त हुआ है, ठीक है क्या। हाँ,
इसमें विशेष में क्या करेंगे, कबीर ने लौकिक प्रेम भावना की व्यंजना की है ना, जीवात्मा की विरह वेदना का वर्णन किया गया है। और इसमें अलंकार कौन सा है, हाँ अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकार। अब हम नौवां पढ़ेंगे, बहुत दिनन की जोवती, बहुत दिनन की जोवती, बहुत दिनन की जोवती, बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, बाट तुम्हारी राम, जीव तर से तुझ मिलन, जीव तर से तुझ मिलन, जीव तर से तुझ मिलन, कु मन नाही, कु मन नाही विश्राम, हाँ बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तर से तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। जोवती यानी होता है प्रतीक्षा, इंतजार, प्रतीक्षा बाट मार्ग, ठीक है। अब प्रसंग देखिए, हाँ कबीर दास कहते हैं, कबीर दास कहते हैं, जीवात्मा कह रही है कि हे परमात्मा, हे परमात्मा मैं बहुत दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी, हे परमात्मा मैं बहुत दिनों से तुम्हारा मार्ग देख रही हूँ और तुम्हारे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ, जीव तर से तुझ मिलन को, मेरा जीव है वो आपसे मिलन के लिए तरस रहा है, मेरा हृदय आपके मिलन के लिए तरस रहा है और तुम्हारे विरह में मेरे मन को विश्राम भी नहीं मिल रहा है, अर्थात अंतःकरण बेचैन है। अर्थ सुनेंगे एक बार और, कबीर दास कहते हैं कि हे परमात्मा मैं तुम्हारा मार्ग कब से देख रही हूँ और आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ, जीव तर से तुझ मिलन को, कि मेरा जीव है वो आपके मिलन के लिए तरस रहा है, मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है, मन नाही विश्राम, जब तक आपका मिलन नहीं होगा मेरे मन को विश्राम नहीं मिलेगा। हाँ अब देखो विशेष में, ये साकी विरह को अंग से संबंधित है, यह साखी विरह को अंग से संबंधित है, इसमें प्रतीकात्मा के काव्यलिंग अलंकार द्रष्टव्य है। चलो दसवां देखिए, मूरिस संग न कीजिए, मूरिस संग न कीजिए, मूरिस संग न कीजिए लोहा जल न तिरियाय, लोहा जल न तिराय, ठीक है। फिर से एक इंटर लाइन देखो, कदली सीप
कदली, सीप, बुवंग, हाँ बुवंग मुख, बुवंग मुख, एक बूंद तिहूं बाही। शब्दार्थ मूरिश का अर्थ होता है मूरख। संग यानी साथ, न यानी नहीं, कीजिए यानी करना, लोहा जल न तिरियाय, तिरियाय का अर्थ होता है तैरना, ठीक है। कदली केला, सीप का सीप, बुवंग शार्प, मुख एक बूंद, तिहु भाई, तिहु यानी तीन, बाही यानी बाना प्राप्त होना, बाना या प्राप्त होना, ठीक है। संगति के बारे में प्रसंग क्या होगा, यह दोहा कबीर द्वारा रचित दोहा है, यह दोहा कबीर द्वारा रचित दोहा है, इसमें कुसंगति से बचने के बारे में, इसमें कुसंगति से बचने के बारे में वर्णन किया गया है। अब सुनना, कबीरदास कहते हैं, व्याख्या, कबीरदास कहते हैं मूर्ख लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए। कबीरदास कहते हैं मूर्ख लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मूर्ख लोग हैं वो संसार सागर से पार नहीं उतार सकते। कैसे कि लोहा जल न तिरियाय, लोहा है वो जल में कभी तैरता नहीं है, लोहा जल की संगति करने पर तैरता नहीं है, लोहा जल में डूब जाता है। तो क्या बात हुई, कबीरदास कहते हैं कि मूर्ख लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मूर्ख लोग संसार सागर से पार उतार नहीं सकते। जिस प्रकार से लोहा जल की संगति करने पर वह जल में तैर नहीं सकता, जल में डूब जाता है। कदली सीप बुहंग मुख, एक बूंद तिहु भाई, कि केला सीप सर्प के मुख में स्वाति नक्षत्र जल की एक बूंद गिरने पर, स्वाति नक्षत्र की एक बूंद गिरने पर यह अलग अलग रूपों में परिवर्तित हो जाती है। केले के मुख में कपूर, सीप के मुख में मोती और सर्प के मुख में गिरकर विष बन जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसी संगति होती है वैसे ही फल मिल जाते हैं। ठीक है, क्या समझ में आ गया, क्या मोस्ट है भैया, है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। कबीरदास कहते हैं कि मूर्खों को साथ नहीं करना चाहिए, मूर्खों की संगति करने पर संसार सागर से पार नहीं उतर सकते हैं। जिस प्रकार लोहा जल की संगति करने पर जल में लोहा तैर नहीं सकता, डूब जाता है, ठीक उसी प्रकार केला सीप और सर्प के मुख में स्वाति नक्षत्र के जल की एक बूंद गिरने पर
उस जल की बूंद के अलग अलग परिणाम होते हैं। केले के मुख में कपूर बन जाता है बन जाती है, सीप के मुख में मोती और सर्फ के मुख में गिर करके वह विष बन जाती है। अर्थात जिस प्रकार की संगति उसे मिलती है वैसे फल प्राप्त हो जाते हैं। अब शेष में लिखे कुसंगति, हाँ विशेष में इसमें स्वाति नक्षत्र की बरसी बूंद की संगति के परिणाम बता करके अच्छी संगति करने का संदेश दिया गया है। दृष्टांत अलंकार है, ठीक है। अब अगला ग्यारहवां ग्यारहवीं देखो, यहू ऐसा संसार है, ग्यारहवां दवा यहू ऐसा संसार है, यहू ऐसा संसार है, यहू ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल, जैसा सेवल फूल, जैसा सेवल फूल दिन दस को व्यवहार, दिन दस को, दिन दस को व्यवहार, व्यवहार दिन दस को व्यवहार को झूठे, को झूठे रंग न भूली, रंग न भूली, ठीक है। यहू माना जो ऐसा संसार जैसा सेवल फूल, सेवल का पुष्प होता है विद्यार्थियों, जिस जो थोड़ा सुंदर भी दिखता है लेकिन उसमें खास सुगंध नहीं होती है। दिन दस मतलब अल्प समय, दिन दस का मतलब क्या है, अल्प समय। व्यवहार, व्यवहार, व्यवहार झूठे रंग न भूली, है ना, भूली यानी भूलना, झूठे यानी झूठा। तो इस प्रकार का रंग है उसमें भूल कर भी ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ यह दोहा कबीर द्वारा रचित दोहा है। प्रसंग, यह दोहा कबीर द्वारा रचित दोहा है। इसमें कबीर ने संसार की नश्वरता का वर्णन किया है, इसमें कबीर ने संसार की नश्वरता का वर्णन किया है कि यह संसार कैसा है, क्षणभंगुर है, नश्वर है। अब देखो, यहू ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल। कबीर दास कहते हैं कि अरे जीव, यह संसार तो सेमल के फूल की समान है, जो देखने में बहुत सुंदर होता है, जो सेवल के फूल की तरह जो देखने में बहुत सुंदर होता है, लेकिन ये निरर्थक है, है ना। इसी तरह विषय वासनाओं से बहसे यह संसार बहुत सुंदर लगता है, है ना। इसी प्रकार से यह संसार है ना अपना, वो विषय वासनाओं के कारण बड़ा सुंदर लगता है, है ना। यह संसार है वो विषय वासनाओं से भरा यह संसार बड़ा सुंदर लगता है, इसलिए इस संसार के झूठे प्रपंच में राग रंग में भूल करके भी नहीं पढ़ना चाहिए। यह संसार है वो क्षणभंगुर और नाशवान है, इसलिए संसार में 10 दिन अर्थात कुछ समय के लिए आप आए हैं तो विषय सुख भोग को पाकर परमात्मा को मत भूलना।
तो विशेष संसार की नश्वरता में परमात्मा की व्यंजना, परमात्मा की शाश्वत व्यंजना की गई है। अनुप्रास और उपमा अलंकार है, अनुप्रास है और उपमा अलंकार से उन फूल में दिख ही रहा है। चलो एक नेक्स्ट लास्ट और देख ले, मासी गुड़ में, मासी गुड़ में, मासी गुड़ में गड़ी रही, गड़ी रही, गड़ी रही, पंस रही लपटाई, पंस रही लपटाई, पंस रही लपटाई, लपटाई। दूसरी लाइन है ताली पीटे, ताली पीटे, ताली पीटे श्री दुने, श्री दुने, श्री दुने मीठे बोई, मीठे बोई माई। शब्दार्थ जानेंगे, मासी का अर्थ होता है मक्खी, गुड़ यानी गुड़ में, गड़ी यानी गड़ना, पंच यानी पंख, लपटा लपटाई यानी लिपटना, लिपटना। ताली पीटे वो मतलब वो पंख फड़फड़ाती है। सिरी यानी सिर, दुने यानी दुनना, दुनना। मीठे बोई माई, मीठ मीठे लालच के अंतर्गत। प्रसंग, यह दोहा कबीर द्वारा रचित दोहा है। इसमें आसक्ति व कुसंगति से बचने के बारे में बताया गया है ना, आसक्ति व कुसंगति में बचने के बारे में बताया गया है। कबीरदास कहते हैं मासी गुड़ में गड़ी रही है ना, लालच के कारण मक्खी है वो गुड़ में धस जाती है, पंस रही लपटाए बाहर निकलने के लिए अपने पंखों को फड़फड़ाती रहती है, ताली पीटे सिर दुने वो पंख है वो फड़फड़ाती है जिसके कारण ताली पिटने जैसी आवाज आती है, सिर दुनना पड़ता है, मीठे बोई माई उसे मीठे लालच के कारण वो पश्चाताप करती है। तो एक बार फिर से सुनो, कबीर कहते हैं कि मक्खी मीठे के लोभ में गुड़ में धंस गई और उसके पंख उसमें लिपट गए, वह उससे छुटकारा पाने के लिए ताली पीटती है, हाथ मलती है, सिर धुनती है, परंतु उससे छूटकर उड़ नहीं पाती, हे सखी मीठे ने उसे नष्ट कर दिया है। ठीक है विद्यार्थियों, विशेष इसमें मीठे बोई का से सांसारिक विचार शक्ति, सांसारिक विषयों की लालसा में पड़ने से जीव बंधन ग्रस्त हो जाता है। नंबर दो, माया में पड़े जीव का चित्रण एक अन्योक्ति अलंकार है। और इसी के साथ में विद्यार्थियों आपकी कक्षा पूर्ण होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपको धन्यवाद और आप अपनी पढ़ाई जारी रखें।